कि मैं बता नहीं सकता मैंने तुम्हें कितना मिस किया. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर बैक. मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती थी. ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस सिर्फ तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारे साथ रहूं. तो अब सब छोड़ दो, चले जाते हैं यहाँ से कहीं दूर, भाग जाते हैं, शादी कर लेते. अतुल प्लीज, मैं अभी तो वापस आई हूँ, मैं घर भी नहीं पहुंची हूँ. एटलीस्ट मुझे थोड़ा सोचने का तो टाइम दो. राखी और कितना सोचोगे? अतुल प्लीज, तुम सब जानते हो मैं सबको छोड़ के ऐसे नहीं आ सकती. एक काम करो, गाड़ी थोड़ा घर से दूर रुकवा देना. मैं नहीं चाहती कि पापा हमें साथ में देखें और फिर कोई तमाशा हो. हाँ हाँ ठीक है. तुसी किन्ने सोने लग रहे हो, इतने दिनों बाद. थैंक गॉड तू वापस आ गई. प्रीतम जी, मैं भी मुंबई आई हूँ, मैं घर भी नहीं पहुंची. एक बार रिलैक्स तो करने दी. एक बात जो हम अक्सर सुनते हैं कि आजकल महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं. काफी हद तक ये बात सही है, पर आज भी दुनिया की ये आधी आबादी, हिंदुस्तान की ज्यादातर औरतें अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती. और इस समस्या को समझने के लिए आज क्राइम पेट्रोल में हमारे साथ है मीडिया का एक जाना माना और चर्चित चेहरा. नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, मैं शम्स ताहिर खान. बिल्कुल सही कहा. अफसोस और परेशानी की बात यह है कि जो क्राइम रिपोर्ट नहीं हो रहे उनकी तादाद कहीं ज्यादा है. अब सवाल है कि इसका मतलब क्या है. तो इसका मतलब साफ कि कहीं ना कहीं समाज और व्यवस्था के तौर पर हम पूरी तरह से फेल हो रहे हैं. ना हम क्राइम को रोक पा रहे हैं और ना ही विक्टिम को सामने आने का हौसला दे रहे हैं, बल्कि उल्टा उनके साथ शोषण हो रहा है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर. एक साल बाद इंडिया वापस आई और ऐसा स्वागत किया मेरा, समझ के क्या रखा है मुझे. इंसान हूँ, जानवर नहीं. बहुत हो गया पापा जी, ये सब फिर से शुरू मत करो. सगी बेटी हूँ आपकी, कोई सड़क से उठा करके नहीं लाए हो कि वो कमीना नोचता खरोचता रहे और आप चुपचाप देखते रहो. मैं तेरी बात समझ रहा हूँ पुत्र, पर प्रीतम बहुत बड़ा आदमी है. पाँव पड़ता हूँ मैं तेरे बेटा. पापा ये क्या कर रहे हो? प्रीतम से दुश्मनी मत ले, जैसा वो कहता है वैसे ही करती रहे वरना वो हमें बर्बाद कर देगा. सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये घर, मैं, तू. अरे मार डालेगा मुझे, मार डालेगा वो. क्या है, क्या चाहिए? अभी तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तेरी बाप की हलगट करीब बननी हुई ना, मुझे क्या चाहिए ना बता दूंगा सब, समझे?
रोटी तैयार हो गई? जी पापा जी। चल फिर लगा दे। और आखिर बतर। हाँ पापा जी। जी पापा जी। राखी बतर मेरे पैर बड़े दुख रहे हैं, आगे दबा दे जरा। आ जा। आकाश मेरी बात मानोगे क्या? वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक बच्चा अडॉप्ट कर ले। मतलब मैंने यहाँ अनाथ आश्रम में बात की और आकाश मेरी बात तो मिल गया जवाब। बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। देखो बैंगलोर में मेरा एक फ्रेंड रहता है, मैंने उसे हमारे बारे में सब बता के रखा है। वो सारा इंतजाम कर लेगा, जैसे ही हम बैंगलोर पहुंचेंगे शादी कर लेंगे। राखी मैं तुमसे बात ये हाथ पर क्या हुआ? तुम कहीं उस प्रीतम ने फिर से तुम्हें? नहीं, मैं किचन में काम कर रही थी। राखी मैं बेवकूफ नहीं हूँ, साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, ये सिगरेट के मार्क्स है। जब तुम ऐसे गुस्सा करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। वही तो है जो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरी इतनी चिंता करता है। देखना एक दिन सब सही हो जाएगा। I'm sure. एक दिन सब सही हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा? मतलब क्या करने वाले हो तुम? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। बहुत सह लिया रखी ने, उसके बाप को और उस कमीने प्रीतम को उसे और टॉर्चर नहीं करने दूंगा। मैं उसे उस नरक से बाहर निकाल के रहूंगा। भाई अब आप ही कुछ करो, इस मैटर को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। सब और नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। आज ये कहानी खत्म कर दूंगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। करडे सर, चेक करो मर्डर वेपन मिलता है। यस सर। पापा जी हार्ट पेशेंट थे,
कुछ साल पहले उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, पेसमेकर डाला गया था। घर में तुम्हारे और पापा जी के अलावा कौन कौन रहता है? सिर्फ मैं और पापा जी, दो बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है। जब मर्डर हुआ तब तुम कहाँ थी? मुझे नहीं पता सर कब हुआ। जब मैं दोपहर अपने बॉयफ्रेंड अतुल से मिलने गई तब पापा जी हॉल में बैठ के टीवी देख रहे थे। फिर जब मैं शाम को वापस आई तो उनके बेडरूम का दरवाजा बंद था, तो सोचा वो सो रहे होंगे। उसके बाद मैं अपने रूम में चली गई। पापा जी अब क्या खाएंगे? तुम्हारे पापा जी की किसी से दुश्मनी थी? पता नहीं सर। तुम्हें किसी पे शक है जो ऐसा कर सकता है? पता नहीं। अच्छा, तुम्हारे पापा जी क्या काम करते थे, कैसे इंसान थे? रेपिस्ट थे, बहुत ही घटिया और नीच किस्म के आदमी थे। अपनी सगी बेटी को रेप करते थे, जबरदस्ती करते थे मेरे साथ। ये कब से चल रहा था? मैं पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गई थी उसके पहले से। मेरी माँ जिंदा थी तब से। अरे मुझे तो इन सबका मतलब भी नहीं पता था। मेरी माँ यहाँ खड़े होकर रोती थी। छोड़िए मेरे बच्चे को, बच्चे को छोड़िए। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। पुलिस के पास जाएगी और पूरी दुनिया में बताया कि वो अपने आप मर गई, नेचुरल डेथ थी। तुमने उसी वक्त कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मैं उस दिन खुद सदमे में थी, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ तो तुम्हारे पास भी उनके मर्डर का मोटिव? मुझ में अगर इतनी हिम्मत होती तो मैं उसी दिन उस आदमी को मार देती जिस दिन उसने मेरी माँ को मारा था। इस तरह मैं यहाँ नर्क में नहीं रह रही होती। सर पे क्या हुआ? सर वो मैं बाथरूम में गिर गई थी। केस जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक शहर छोड़ के नहीं जाना। मुंबई महानगरी अपने जज्बे के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा और आजादी के लिए भी मशहूर है। यहाँ महिलाएं खुद को सुरक्षित और आजाद महसूस करती हैं, लेकिन राखी के साथ ऐसा नहीं था। वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी। 2018 की NCERB की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेप के 94% मामलों में अपने शामिल होते हैं। इनमें घर के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक के दफ्तर के लोग होते हैं। और इज्जत के बोझ तले दबी महिलाएं इन अपराधों की शिकायत तक नहीं कर पाती। पर राखी का अपने पिता तेजिंदर के कत्ल के बाद रेप का इल्जाम लगाना शक पैदा करता है। कहीं ये राखी की किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? मिस्टर रोहित, डिवोर्स लेने के लिए ये फोटो ही काफी है। आपकी वाइफ का आपके साथ धोखा और बेवफाई को बेस बनाकर हम डिवोर्स फाइल करेंगे। इसमें मुझे तो कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा ना? देखते हैं उसका वकील कोर्ट में क्या कहता है। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा उसे। मुझे DNA टेस्ट की परमिशन मिल सकती है? DNA टेस्ट की परमिशन क्यों? सर पूछताछ में पता चला है कि तेजेंद्र सिंह को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, और दूसरे बिजनेस में पकड़ बनाने के लिए तेजेंद्र सिंह ने प्रीतम सिंह से कुछ पैसे उधार लिए थे। सर ये प्रीतम सिंह रियल इस्टेट डेवलपर है, काफ़ी पहुंची हुई चीज़ है सर, और काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तेजेंद्र का मर्डर प्रीतम सिंह ने पैसों के लिए किया? हो सकता है सर, प्रीतम सिंह तेजेंद्र सिंह के ऊपर पैसे रिटर्न देने के लिए काफ़ी दबाव बना रहा था। मुझे नहीं लगता सर कि ये मर्डर पैसों के लिए हुआ है, क्योंकि 3 बार चाकू से घाव किया गया है। ये मर्डर बदले की भावना से हुआ है। ऐसा भी हो सकता है सर। वैसे सर एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है, तेजेंद्र सिंह की बेटी राखी ये प्रीतम सिंह के टच में थी। जब वो अब्रॉड में थी तब प्रीतम सिंह से मैसेज में बात किया करती थी, फ़ोन भी किया करती थी। प्रीतम सिंह भी कभी कभी उसे फ़ोन किया करता था, और जब वो इंडिया आ गई तब दोनों की लगातार बातें होने लगी। क्या तेजी का मर्डर हो गया? पाजी कुछ दिन पहले बात हुई थी, सब ठीक ठाक था। बहुत सदमा लगा यार तेजेंद्र के मर्डर का। वैसे कब से जानते थे आप उसको? कब से जानता था मतलब? ये कोई 10 साल से।
तेजिंदर सिंह को बिजनेस में लॉस हुआ था, आपसे पैसे भी मांगे थे, रिटर्न नहीं कर पाया तो उसका मर्डर कर दिया आपने। मतलब आज तक जिन लोगों ने मुझसे पैसे लिए और वापस नहीं दिए तो उनका मर्डर कर देना चाहिए। मर्डर करने से पैसे वापस मिल जाते, मतलब मेरे को तो सीरियल किलर हो जाना चाहिए। नहीं, जिस दिन मर्डर हुआ कहाँ थे आप? नहीं था ऑफिस में, चेक करवा लो। नहीं सर, तो हम करेंगे ना, हमारा काम ही है। चलो वैसे तेजिंदर की लड़की राखी, उसके साथ कैसा कनेक्शन है आपका? मतलब कनेक्शन मतलब संबंध आपके? मतलब तेजी की बेटी थी वो, और क्या संबंध होने था? अच्छा, बहुत फोन करते थे आप उसको, पढ़ाई के लिए अब्रॉड गई थी फिर भी। हाँ तो तेजी के हालात खराब थे पैसे को लेकर, राखी जो है वो अब्रॉड पढ़ना चाह रही थी, पढ़ाई स्पॉन्सर कर दी मैंने। फोन करके पूछता रहता था भाई पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं है, सब ठीक ठाक है कि नहीं। एक मिनट मतलब आप लोग कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि तेजी का मर्डर मैंने किया है? चलो चलिए, ये पैसे वाला आदमी ऐसा नहीं मानेगा, लेकिन हम भी दिखा दे हम क्या चीज है। वो राखी तेजिंदर के मर्डर के दिन बॉयफ्रेंड को मिलने गए थे ना? अरे बोलना। हाँ सर, मैं और राखी उस दिन मिले थे दोपहर के करीब 3 या 3:30 बजे, फिर 4 बजे वो अपने घर चली गई। और तेजी अंकल ने तो मुझे कभी पसंद ही नहीं किया, वो हमेशा से हमारे अफेयर के अगेंस्ट थे। तो ऐसा क्या किया था तूने? वो तेरे को पसंद नहीं करते थे और तेरे को पसंद नहीं करते थे इसलिए उनका मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और वो सिर्फ मेरे अगेंस्ट नहीं थे, हर उस लड़के के अगेंस्ट थे जो राखी को पसंद करता था। तो इसलिए राखी ने उनको मार दिया, क्योंकि वो राखी के आसपास किसी को फटकने नहीं देते थे? नहीं सर, राखी तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, बहुत अच्छी लड़की है वो। और तो बुरा कौन है? उसका बाप, क्योंकि वो राखी के साथ किसी का अफेयर नहीं होने देता था। इसलिए क्योंकि राखी को प्रीतम को भी सेटिस्फाई करना पड़ता, और अगर वो अफेयर करती या किसी से शादी कर लेती तो प्रीतम उसके बाप को मार डालता या फिर राखी को। कब से चल रहा था ये? एक्चुअली सर, राखी के अब्रॉड जाने से पहले से ये सब चलते आ रहा है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि यहाँ से भाग जाते, पर राखी ने कभी मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं वो प्रीतम उसके बाप को ना मार डाले, वो बाप जो खुद अपनी बेटी पे जबरदस्ती करता था उस पर। हाँ, पापा मुझे प्रीतम के पास जाने के लिए मजबूर करते थे, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे पापा की वजह से तुम प्रीतम सिंह के पास जाती थी? वैसे तुम तुम्हारे पापा से कितनी नफरत करती थी ये मालूम है? मुझे लगता है इस नफरत की वजह से तुमने तुम्हारे पापा का मर्डर किया। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने उन्हें नहीं मारा है। फिर किसने मारा? प्रीतम ने? नहीं जानती किसने मारा, हो सकता है योगेश ने मारा। योगेश कौन? हमारा पड़ोसी मीनल सुरवे का बेटा। योगेश को उसके माँ और मेरे पापा के बारे में पता चल गया था। अफेयर के बारे में? अफेयर नहीं, सिर्फ फिजिकल रिलेशन था। उस दिन जब आपने मेरी सर की चोट के बारे में पूछा था, वो योगेश ने मारा था, धमकी दी थी मुझे। पापा की वजह से मुझे सिर्फ प्रीतम यूज नहीं कर रहा था, बल्कि योगेश भी धमकी दे रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पापा से बात करूंगी, बस अब और नहीं, आज ये कहानी खत्म कर दूंगी। पापा जी प्लीज, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सड़क पर खुले आप योगेश मुझे रेप की धमकी दे रहा है, आपको मारने की धमकी दे रहा है। चिल्ला मत, ये बता कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज मीना लाठी से दूर रहे। खबरदार जो मेरे सामने ऊंची आवाज में बोली तो, समझी? योगेश को मैं समझा लूंगा, जा खाना लेकर आ। और हाँ, मसाज की तैयारी कर। थक चुकी थी मैं इस टॉर्चर से, फिर मैंने अपनी बहनों से मदद मांगी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं। और बहनों का क्या नाम? शिल्पी और पाखी। सर, मैं हम तीन बहनों में सबसे बड़ी हूँ और मुझे पूरा यकीन है हमारे पापा जी राखी के साथ ऐसे नहीं कर सकते। माँ को गुजरे 5 साल हो चुके हैं, तो हो सकता है कि अकेलेपन के कारण वो मीनल आंटी से क्लोज हो गए हो, पर वो अपनी बेटी के साथ गलत हरकत करेंगे ऐसा नहीं हो सकता सर। फिर राखी ऐसे क्यों कह रही? सर शायद वो क्योंकि अतुल के अगेंस्ट थे,
वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने हमारे सामने उसे समझाया था, अतुल से लड़का नहीं है, वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। राखी सैनी ने अपने पिता पर शारीरिक शोषण का इल्जाम लगाया, जिसे खुद उसकी अपनी दोनों सगी बहनों शिल्पी और पाखी ने पुलिस पूछताछ में खारिज कर दिया। अब इनमें से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, इसकी तफ्तीश जारी है। पर मेरे तजुर्बे में एक और बात आई है इस केस को लेकर, कहीं राखी की बहनें अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही। कयास कई है लेकिन सच सामने आना भी बाकी है। रुक, ये डीएनए रिपोर्ट है हमारे बेटे श्लोक की, इसके हिसाब से मेरा डीएनए इसके साथ में मैच नहीं करता है। मेरा बेटा नहीं है ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर? किसका बेटा है? किसका बेटा है? छोड़ो, किसका बेटा है? उस बिल्डर प्रीतम सिंह का ना? राखी ने अपने बाप के खिलाफ ही घटिया इल्जाम लगाया, लेकिन हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, क्योंकि उसके दोनों बहनों के बयान में ऐसा कुछ सामने नहीं है। देखो एक बात तो साफ है, प्रीतम सिंह ने तेजिंदर सिंह को पैसे दिए थे जो तेजिंदर सिंह ने उसको वापस नहीं किए। इतना ही नहीं तो प्रीतम सिंह ने उसके लड़की की स्टडी स्पॉन्सर की थी, वो भी अब्रॉड में। हो सकता है इस पैसों की भरपाई के लिए ये तेजिंदर सिंह अपने बेटी को उसके पास भेजता हो, और इसका बदला लेने के लिए राखी ने अपने बाप का ही मर्डर किया और हमें गुमराह करने के लिए उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया। हो सकता है सर। तेजिंदर सिंह की पीएम रिपोर्ट। सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक तेजिंदर सिंह की मौत शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुई, बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई है सर। और सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी पर जिस चाकू से वार किया गया वो नॉर्मल किचन नाइफ नहीं था सर, बल्कि बहुत बड़ा चाकू था। हो सकता है सर के नाइफ सेट में से किसी बड़े चाकू का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन सर तेजिंदर के घर पर तो हमें कोई नाइफ सेट मिला ही नहीं। फिर भी एक काम करो, ये तेजिंदर सिंह के घर के आसपास जितने भी दुकान है वहाँ पूछताछ करो, हाल ही में किसी ने नाइफ सेट या बड़ा चाकू खरीदा है। सर तेजिंदर का जिस दिन मर्डर हुआ योगेश सुरबे को तेजिंदर के पड़ोसी ने चाकू के साथ उसके घर के पास देखा था। सर आई शपथ, मैंने तेजिंदर को नहीं मारा सर। अरे रिस्पेक्ट करना सीख, तेरे बाप की उम्र के थे ना वो, नाम से बोला था उनको। ये सच बोल रहा है सर, मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तुम मतलब तुम्हारा अफेयर चल रहा था ना उसके साथ, मतलब जो कुछ भी था। हाँ कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। गवर्नमेंट जॉब है इसलिए पेंशन मिल रही है, पर वो काफ़ी नहीं है घर चलाने के लिए। तेजी हमारे हालात अच्छे से जानता था तो उसने मुझे एक ऑफर दी। उसने कहा कि अगर मैं उसे खुश रखूँगी तो मुझे कभी पैसे की दिक्कत नहीं आने देगा। मजबूरी में मुझे उसे हाँ बोलना पड़ा, और अभी कुछ दिन पहले ही योगेश को सब कुछ पता चल गया। इसने राखी को धमकी दी, पर मैं मानती हूँ इसने धमकी दी, पर इसने कोई मर्डर नहीं किया सर। तो उस दिन तेजिंदर के घर के बाहर चाकू लेके क्या कर रहा था? जिस दिन तेजी का मर्डर हुआ उस दिन मैं उसके घर पर थी, और जब मैं उसके घर के बाहर निकली तो वो मैंने इसे किसी तरह मना लिया और मैं इसे घर ले गई। जब मैं वहाँ तेजी के घर पर थी तब तक तेजी जिंदा था, उसके बाद वहाँ क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन तुम दोनों के अलावा कोई गवाह है इस बात का? हेलो, क्या ठीक है सर? जंगल के पास एक डेड बॉडी मिली है। अरे ये तो राखी है शिरके। मर्डर से
पहले रेप हुआ है, सर पर चोट का निशान है और काफी खून बाहर, पेट पर कई बार चाकू से वार भी किया गया। हो सकता है कि ये मौत सर की चोट और खून बहने की वजह से हुई हो। सर बाकी रिपोर्ट से पोस्टमार्टम के बाद पता चलेंगे। सर हमने पूरा एरिया चेक किया पर मर्डर वेपन या कोई भी इसका सामान नहीं मिला। ए, चलो घर। सर एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर ये लड़की ऐसी सुनसान जगह पर करने के आई थी? आई मीन जंगल है, खंडर है, एक भी आदमी नहीं। या तो उसको बुलाया गया या तो खुद आई और बाद में इसको मारा। वैसे अभी तक हम इसे तेजेंद्र मर्डर केस का सस्पेक्ट मान रहे थे, लेकिन इसकी ऐसी हालत देखकर लगता नहीं कि इसने तेजेंद्र का मर्डर किया हो। अभी हम ऐसा नहीं कह सकते शिरके। वैसे सर इसको मारने का मोटिव प्रीतम, अतुल और योगेश इन तीनों के पास भी है। सर ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से किसी ने इसका मर्डर किया हो। सकता है, पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। केस अब बेहद चैलेंजिंग और पेचीदा हो चुका है, पर सवाल ये है कि केस की तफ्तीश के दौरान जांच के बीच में ही अगर किसी सस्पेक्ट, विटनेस या फिर विक्टिम का यूं कत्ल हो जाना, ये बताता है कि या तो कातिल बेहद शातिर है या फिर बेवकूफ। किसने की आपके साथ ये? जिसने भी आपकी हालत की है उसका नाम बता दीजिए। हो सकता है कि अगली बार उसकी हिम्मत और बढ़े और अगली बार आप नाम बताने लायक ही ना रहे। बताइए किसने मारा आपको? प्रीतम के गुंडों ने। कौन? प्रीतम सिंह, वो बिल्डर। लेकिन उसने आपको क्यों पिटवाया? मेरी बीवी पाखी का उसके साथ में चक्कर चल रहा है। सोती है उसके साथ में वो, आज से नहीं शादी से पहले से। धोखा दिया उसने मुझे, अब तक मुझे लगता था कि श्लोक मेरा बेटा है, लेकिन जब मुझे ये सब पता चला ना, मैंने डीएनए टेस्ट करवाया अपना भी और उसका भी, तब पता चला श्लोक मेरा बेटा नहीं है। बाकी और उसके बाप ने शुरू से मुझे धोखा दिया था, इसीलिए मैं सिर्फ डिवोर्स देकर उन्हें आराम से जीने नहीं देना चाहता, इसी बात का बदला लेना चाहता था मैं। लेकिन मुझे पता चला उनके पास तो खुद कुछ नहीं है, उस प्रीतम के पैसों पे पल रहे हैं वो लोग। मेरी भी हालत कुछ ख़राब थी, इसीलिए मैंने सोचा कि उसे ब्लैकमेल करके उसी से बदला लेता हूँ, लेकिन उसने अपने गुंडे भिजवा कर मुझे पिटवा दिया। ए, क्या बदतमीजी है? आपको पक्का यकीन है कि वो प्रीतम सिंह के गुंडे थे? वो गुंडे प्रीतम ने ही भेजे थे। आप बोलो शिरके। सर तेजिंदर सिंह की बेटी पाखी अरोरा ने हमसे झूठ बोला था। सर मेरे पति रोहित सच बोल रहे हैं, मैं शादी से पहले से प्रीतम से मिला करती थी, पर सर मैं अपनी मर्जी से नहीं जाती थी, पापा मुझे फोर्स करते थे, और अगर सर मैं उनकी बात नहीं मानती तो प्रीतम पापा को नुकसान पहुंचा देता। प्रीतम जब चाहे गाड़ी भेज देता था और मुझे बुला लेता था। तो तुमने खुद होके क्यों नहीं बताया रोहित को कि श्लोक उसका बेटा नहीं है? अगर मैं उन्हें बताती तो वो उसी दिन मुझसे डिवोर्स ले लेते। तो ये प्रीतम का बेटा है श्लोक? फिर मेरे मेरे पापा का। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब प्रीतम किसी काम से अब्रॉड गया हुआ था और रोहित पंजाब। मतलब राखी सच बोल रही थी? हाँ सर, हमारा बाप बहुत घटिया आदमी था, उसने अपनी बेटी को प्रेग्नेंट किया, और सर उसने सिर्फ मेरे और राखी के साथ ही ऐसा नहीं किया बल्कि शिल्पी दीदी के साथ भी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। ये बात तुमने हमसे छुपाई? बाप ने तो कभी इज्जत समझी नहीं, ये बात अगर दुनिया को पता चलती हमारी शादियां, हमारी बसी बसाई जिंदगी सब टूट जाता। तो अभी क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि सर रोहित को पता चलने के बाद तो वैसे भी सब कुछ खत्म हो ही चुका है। क्या तुम बहनों ने मिलकर किस्सा खत्म कर दिया? नहीं सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर हम लोगों में इतनी हिम्मत होती तो इतने साल बर्दाश्त क्यों करती? और अगर आप चाहें तो आप शिल्पी दीदी से पूछ लीजिए सर। मेरा 16th बर्थडे था, बर्थडे पार्टी खत्म हो गई थी और सब अपने घर चले गए थे, और मेरे बाप ने नशे की हालत में मेरा रेप किया था। जब मैं 17 साल की थी तब मैं अपने बाप से प्रेग्नेंट हुई थी,
और उन्होंने मेरी हेल्थ की चिंता किए बगैर एक घटिया से क्लिनिक में मेरा अबॉर्शन करवाया था, जिसकी वजह से मुझे कॉम्प्लिकेशंस हुए, मेरा यूट्रस निकालना पड़ा। और जब उन्होंने मेरी शादी आकाश से करवाई, उन्होंने उसे कुछ सच नहीं बताया था। आकाश को धीरे धीरे शक होने लगा, अगर डॉक्टर के पास चली जाती तो उसे यूट्रस वाली बात बता देते। कुछ दिन पहले मैंने आकाश से कहा, आकाश हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते। मिल गया जवाब। सर मैंने अपने करियर में इतने सारे केस देखे, लेकिन इस केस ने झंझोड़ के रख दिया सर मुझे। यकीन ही नहीं हो रहा कि एक बाप अपनी बेटियों के साथ ऐसा करता था। चिरके सच यकीन से ज्यादा भयानक होता है, लेकिन हम अभी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये जो लड़की बोल रही है वही सच है। पता तो लगाना होगा। तृप्ति तब तक एक काम करो, शिल्पी, पाखी, आकाश, रोहित, अतुल और योगेश, इन सबके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा। चिरके जब तक डिटेल्स आते हैं इस प्रीतम सिंह से बात करते हैं। हाँ जी बैठिए, आप पापी का ऑफिसर, बैठिए बैठिए। हाँ भाई छोटू लस्सी लेके मलाई मार के बैठिए। अरे नको नको लस्सी बिस्सी का ही नको, वो लस्सी की वसूली में हमसे क्या मांगोगे कुछ पता नहीं। इंस्पेक्टर मैं एक नहीं हजार औरतों के साथ सोया, शौक है जी मेरा, पर आज तक किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। तेजी ने मुझसे पैसे लिए थे जो वापस नहीं दिए, तो उसने खुद से अपनी तीनों बेटियों को मेरे पास भेजा। अब जी पैसे नहीं मिल रहे तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। वैसे एक बात है जी, तेजी ने जितने पैसे मुझसे लिए थे उसकी तीनों बेटियों को मिला के उसका इंटरेस्ट भी पूरा नहीं हो रहा था। पर जी दिल बड़ा है अपना, मान गए, वरना इतने पैसे में तो एक से एक खूबसूरत लड़कियां आ जाती। तेजेंद्र अपने बेटी को खुद तुम्हारे पास भेज रहा था तो दोनों का मर्डर क्यों किया? फिर वही बात, तेजी की आज भी औकात नहीं थी कि वो मेरे पैसे दे दे, तो उसको मारने से कौन सा मुझे पैसे मिल जाते। और रही बात उसकी बेटी की, जी उसकी बेटी तो जवान थी, खूबसूरत थी, बताओ उसको मार के मुझे क्या फायदा होता? क्योंकि राखी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकती थी। लो कर दी बच्चों वाली बात। रोहित को क्यों पिटवाया? हैं? रोहित को क्यों पिटवाया? रोहित को मैंने पिटवाया? बल्कि रोहित मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, और आपको सवाल जवाब तो उससे पूछने चाहिए, बल्कि उसको अरेस्ट करना चाहिए। सर राखी की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक राखी की मौत 16 तारीख को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है। चाकू लगने की वजह से उसकी मौत हुई सर। सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया, और सर मर्डर के पहले उसके साथ रेप भी किया गया। बॉडी पे सीमन के ट्रेसेस भी मिले हैं। एक काम करो शिरके, ये अतुल देसाई, योगेश और प्रीतम, इन तीनों के डीएनए हमें मिले सीमन से मैच करवा, तो इन तीनों में से किसी एक ने मर्डर किया हो। सर मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंगली जिस दिन तजिंदर का मर्डर हुआ उसका दामाद आकाश उसके घर में था। सर आपको पक्का कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो उस दिन उस तरफ गया ही नहीं। हमसे गलती हुई है, संभाल ले अभी। पहले ना वो तेजेंद्र अपने बेटी के साथ जो गलत शुरू कर रहा था, और प्रीतम उसका फायदा उठा रहा था, उसके वजह से काटा सटका है मेरा, घुसेड़ दूंगा, सच बोल। सर वो मैं अपने ससुर से, वो सर मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि वो मेरी बीवी के साथ क्या क्या करता था, उसकी वजह से मेरी बीवी का इलीगल अबॉर्शन हुआ और उसका यूट्रस निकाल दिया गया। सर वो कभी मां नहीं बन सकती। मैं वहां गया था, उसको बोला कि मैं उसे जेल में ले जाऊंगा, उसको धमकी दी, फिर वो मेरे आगे हाथ पर जोड़ने लगा और मुझे मुंह बंद रखने के लिए कहा, और बोला कि अगर मैं मुंह बंद रखूंगा तो मुझे 50,000 रुपये देंगे। तो सर मैं उस दिन वो इंस्टॉलमेंट का 50,000 रुपये लेने गया, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि दिखा दी अपनी शराफत। हमें सब पता है तेजेंद्र अपनी बेटी को प्रीतम के पास भेजकर अपने घर का खर्चा चला रहा था। आ? वो तुझे कहां से 50,000 देगा रे? सर मेरी बात सुनिए सर, ऐसा नहीं सर। सर राखी के साथ हुए बलात्कार में मिले सीमन सैंपल्स अतुल, योगेश और प्रीतम में से किसी के साथ मैच नहीं हुए। सर तेजेंद्र मर्डर केस में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, उनके घर के आसपास जितनी भी दुकानें थी, हमने सभी जगह पूछताछ की है। एक इंटरेस्टिंग बात पता चली सर, ये देखिए। बुरखा पहन के कटलरी के शॉप से चाकू खरीदने का प्लानिंग बहुत अच्छा था। कार्ड स्वाइप किया ना, उसकी वजह से पकड़े गए। सर कुछ दिन पहले मुझे पापा जी का कॉल आया था। तुम तीनों अपनी माँ पर गई हो, किसी काम की नहीं हो, ये दोनों पहले कम थी,
जो इनके पतियों ने मेरा जीना हराम कर दिया। अरे एक मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और दूसरा मेरी फोटो लेकर प्रीतम के पास पहुंच गया। जानते हो प्रीतम कौन है? वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और मुझे भी मार डालेगा। हमने पापा जी की वजह से क्या क्या नहीं सहा। प्रीतम के साथ सोए, पापा जी का टॉर्चर बर्दाश्त किया, अपने पतियों से मार खाई। पापा जी सब जानते थे, हमारी जिंदगियां तो वो बर्बाद कर ही चुके थे, पर हम राखी को बचाना चाहते थे क्योंकि अतुल उससे सच में प्यार करता था। उसकी सारी सच्चाई जानने के बाद भी वो उससे शादी करना चाहता था। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि अगर किसी को मरना है तो वो पापा जी को ही मरना होगा, जिससे हमें पापा जी और प्रीतम दोनों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि पापा जी के मर्डर का ब्लेम तो प्रीतम पर ही जाना है। मर्डर के दो दिन पहले मैंने बुर्का पहना और अपने घर के पास वाले कटलरी स्टोर से चाकू खरीदा ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। अगले दिन हम दोनों पापा के घर गए। राखी से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी थी, उस दिन वो अतुल से मिलने जाने वाली थी। तुम दोनों एक साथ? आज तो मैंने तुम दोनों में से किसी को नहीं बुलाया। हम अपनी मर्जी से आज यहाँ आए हैं। तो चलो फिर। पेसमेकर क्यों निकाला? पापा जी को पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था और वो बच गए थे। इस बार हम नहीं चाहते थे कि वो बचे। तुम्हारे साथ जो हो रहा था वही राखी के साथ हो रहा था, तुम्हें पता था? नहीं सर, उसने हमें कुछ बताया ही नहीं कभी। फिर राखी को क्यों मारा? नहीं सर, हम उसे क्यों मारेंगे सर? बल्कि सर, वो तो हम दोनों की तरह इस नर्क में जी रही थी। तेजिंदर सिंह के मर्डर केस में अरेस्ट करो, चार्जशीट दाखिल करो। आखिरकार पाकि और साक्षी के सब्र का बांध टूट गया। दोनों ने अपने बाप को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। विक्टिम से दोनों बहनें अब कल्प्रिट बन चुकी थी। तीनों बहनों का बाप लगातार शोषण करता रहा, उन पर जुर्म ढाता रहा, लेकिन तीनों खामोश रही। यहां तक कि प्रीतम सैनी नाम के घिनौने शख्स के हाथों भी तीनों को बेच दिया, पर फिर भी तीनों खामोश रही। क्यों इन तीनों बहनों ने कभी पुलिस के पास जाने की कोशिश नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। मैंने जितनी भी रेप विक्टिम से बात करने की कोशिश की या बात की, उन सबका एक ही डर था, लोगों की नजरें। एक महिला पर कितना जुल्म होता है जब उसके साथ रेप होता है, इसका अंदाजा हम लोग शायद ही लगा सकते हैं। ऊपर से जब वो पुलिस के पास जाती है तो हम उसका सहारा बनने की बजाय उल्टे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगते हैं। हमेशा रेप विक्टिम में ही गलतियां ढूंढने लगते हैं। ये हमारी सोच है, ये पुरुष प्रधान समाज की सोच है, और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी इस तरह की चीजें नहीं थमेंगी। सर, सर जहाँ राखी की बॉडी मिली वहाँ एक नंबर एक्टिव था। सर ये है वो नंबर। हाँ साहब, वो नंबर मैं यूज करता हूँ, लेकिन राखी के मर्डर के साथ मेरा क्या संबंध है? चिकने बहुत स्मार्ट बनते रहे तुम। तूने राखी का मर्डर है उसके साथ रेप भी किया था, उसके बॉडी के ऊपर हमें सीमेंट्स मिले, अगर तेरे डीएनए से मैच कर दूंगा ना सब सच बाहर आ जाएगा। देखिए साहब, आप इस तरह से डरा नहीं सकते। अतुल और राखी के अफेयर के बारे में मुझे सब कुछ पता था, मैं उसके खिलाफ नहीं था, लेकिन अतुल ने जब मुझे बोला कि राखी का बाप और प्रीतम कई सालों से उसको यूज कर रहे, तो फिर मैंने सोचा कि अपने भाई की शादी किसी ऐसे लड़की से नहीं होने दूंगा, और फिर मैंने अतुल को बिना बताए राखी का मर्डर प्लान किया। उसको मैंने सुनसान जगह बुला लिया, मेरे से पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वाह, तू महान है, मर्द है। हां चिरके, राखी का मर्डर और रेप केस में चार्जशीट दाखिल करो इसके खिलाफ। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।